कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बूंदी जिले के दौरे पर रहे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लाखे, खटकड़, कापेन और तालेड़ा इलाकों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। सभाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर किरोड़ी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर लगातार भ्रम फैला रही है, आरक्षण को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे आरक्षण को लेकर भ्रम से दूर रहने की जरूरत है। एक ऐसा भ्रम पूरे देश में विपक्षी विशेषकर कांग्रेस फैला रही है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो ST SC का आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी ने 2019 में 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया था, आगे भी बढ़ाएंगे। उस आशंका को खत्म करने के लिए आया हूँ मैं, इनको समझाने के लिए आया हूँ। ये भोले बाले हैं, सीधे हैं, इनको गुमराह किया जा रहा है और मैंने मेरी पार्टी की रीति भी इनको बता दी। तो वहीं हनुमानगढ़ के भादरा में थानाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रफीक कुरैशी के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में पूर्व विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और लोगों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत हुई है। इसमें मामले में जांच की जिम्मेदारी DSP को सौंपी गई। पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि मामले में तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो 6 मई को फिर से थाने का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि रफीक कुरैशी बादरा थाने पहुंचे थे, जहां थानाधिकारी ने उनसे दुर्व्यवहार कर उनको थाने से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद से ही ये मामला गरमाया हुआ है। 19 तारीख को जब चुनाव हो रहे थे उसी दौरान रफीक जी यहां थाने में आए थे और उस दौरान SHO के खिलाफ दुर्भावना का आरोप इन्होंने लगाया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 58.28% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले महिला और पुरुषों के मतदान प्रतिशत का अंतर काफी कम नजर आ रहा है। 2019 के चुनाव में भी इन्हीं 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी। ये प्रतिशत आखिर क्या कहता है, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों पर इस बार वोटिंग 2019 के मुकाबले 6.15% कम रही। वोटिंग कम होने के पीछे कारण लोगों में चुनावों को लेकर के कम रुझान माना जा रहा है। पहले चरण के चुनावों में 58.28% मतदान हुआ। इन चुनावों में 2019 के मुकाबले महिला और पुरुषों के मतदान प्रतिशत का अंतर भी कम हुआ है। 2019 में ये अंतर 2.24% था, जो कि 2024 के प्रथम चरण के चुनावों में 1.86% रह गया है। अगर जिलों के हिसाब से देखें तो गंगानगर 67.21%, बीकानेर 54.57%, चूरू 64.22%, झुंझुनू 53.63%, सीकर 58.43%, जयपुर ग्रामीण 57.65%, जयपुर 63.99%, अलवर 60.61%, भरतपुर 53.43%, करौली धौलपुर 50.02%, दौसा 56.39%, नागौर 57.60%। इन 12 लोकसभा सीटों के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 67.21% मतदान गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, जबकि सबसे कम 50.02% मतदान करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। पहले फेज में कुल 1,47,53,007 वोट पड़े। इनमें 68,14,997 वोट महिलाओं ने, 77,78,928 पुरुषों ने और 164 वोट थर्ड जेंडर वोटरों ने डाले हैं। News 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो वहीं चुनावी दौर में सभी नेता एक एक वोट के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, बल्कि वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन बीकानेर के पूर्व
राजपरिवार के सदस्य डॉक्टर करणी सिंह ने लगातार पांच बार बीकानेर का संसदीय प्रतिनिधित्व किया, जो आज भी एक रिकॉर्ड है और इसी रिकॉर्ड को अभी तक कोई नेता नहीं तोड़ पाया है। रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में अब चर्चा हार और जीत को लेकर है, लेकिन इस सब के बीच हम आपको एक ऐसे नेता और महाराजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चाएं हैं। महाराजा करुणी सिंह की कहानी आज हम आपको बताएंगे, जो कभी चुनाव नहीं हारे। डॉक्टर करुणी सिंह 1952 से 1977 तक लगातार बीकानेर से पांच बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सांसद रहे, लेकिन जब चुनाव में वह 1,00,000 से कम वोटों से जीते तो यह मानकर संन्यास ले लिया कि अब जनता में लोकप्रियता कम हो गई। ऐसे व्यक्ति आज की राजनीति में दुर्लभ ही मिलते हैं और 21 अप्रैल को इनका जन्म शताब्दी वर्ष है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि महाराजा करुणी सिंह के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य सियासत में नहीं आया। महाराजा करुणी सिंह की पोती सिद्धि कुमारी बीकानेर से चौथी बार विधायक बनी। पॉलीमैथ थे, उनके बहुत अलग अलग इंटरेस्ट थे और जो भी वो करते थे वो बिलीव करते थे कि उसको बिल्कुल अच्छी तरह से करना चाहिए, रिसर्च करके करना चाहिए। और जब हमें शूटिंग सिखाया गया था तो पापा ऑलवेज बताते थे कि अगर तुम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस स्पोर्ट को सीरियसली लो, प्रैक्टिस करो और आगे उन्नति करो। 21 अप्रैल 1924 को बीकानेर राज परिवार में जन्मे डॉक्टर करणी सिंह निर्भीक राजपूत शासकों में 23वें और अंतिम महाराजा थे। डॉक्टर करणी सिंह की शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज और मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वह देश के पहले निशानेबाज थे जिन्हें 1961 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने 17 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। डॉक्टर करणी सिंह देश के लिए कई ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके हैं और बड़ी संख्या में मेडल लेकर आए थे। वे बड़े निशानेबाज थे, वे पहले भारतीय थे जिन्होंने 5 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। दिल्ली में 1982 में हुए एशियाई खेलों के लिए उनके सम्मान में तुगलकाबाद किले के पास एक शूटिंग रेंज बनवाई गई, जिसका नाम डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज रखा गया और 4 सितंबर 1988 को उनका निधन हुआ था। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। तो वही टोंक में महावीर जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पूजा अर्चना की, साथ ही सांसद आवास के बाहर लोगों के साथ जौनापुरिया नाचते गाते नजर आए। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान होना है दूसरे चरण का, इससे पहले 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की नियारा में जनसभा है। इसके लिए सुखबीर सिंह जौनापुरिया में लोगों से अपने लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई दिए, साथ ही पीएम मोदी के जनसभा में पहुंचने की भी अपील कर रहे हैं। आप सबसे अपील करता हूं कि 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री उनियारा की धरती पर पधार रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनियारा 10 बजे पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुने और उनका आशीर्वाद लें। मैं समझता हूं हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी धरा पर आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन करता हूं। तो वहीं दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। झालावाड़ बारा लोकसभा क्षेत्र में भी दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क तेज हो गया। झालावाड़ बारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया के समर्थन में पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने ज्वालरा पाटन कस्बे में जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं कई जगहों पर व्यापारी और सामाजिक संगठन के लोगों ने भी पुष्प वर्षा की स्वागत किया। अच्छा है और जनता समझ चुकी है कि जो स्नेह प्यार स्थानीय उम्मीदवार के मन में मस्तिष्क में हो सकता है वो परदेशी में नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि वसुंधरा जी दुष्यंत जी दोनों परदेशी हैं, वो धौलपुर निवासी हैं। अब मैंने कई जगह पूछा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने उनका घर नहीं देखा, आम जनता तो क्या देखे। और उर्मिला जी स्थानीय प्रत्याशी हैं, बारा जिले की बहू हैं, झालावाड़ जिले की बाणा हैं। निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन है क्योंकि
जनता ये भी समझ चुकी है कि मोदी जी ने भी वसुंधरा जी को भी नापास कर दिया, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना के। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में जुड़े राजेंद्र राठौड़ को कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र राठौड़ के फेवरेट फिल्मी गीत को भी गाया। राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ता ही उनके लिए परिवारजन है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं 12 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में काम करेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे। पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गोचर ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी, उनके लिए काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। मात्र उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए और उनकी हत्या करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान को ताक में रख दिया है। कानून कायदे सारी जितनी भी स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, यहाँ तक चुनाव आयोग, सब अपने कब्जे में लेकर इन्होंने एक उसको अपना तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को डूंगरपुर जिले में मतदान होना है। इधर निर्वाचन विभाग के निर्देशन में 2500 से ज्यादा स्काउट गाइड वॉलंटियर्स जिले में हर घर की दहलीज पर पीले चावल रख करके 26 अप्रैल को आवश्यक रूप से मतदान करने का निमंत्रण लोगों को दे रहे हैं। सीईओ सुनील कुमार सोनी ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने स्काउट वॉलंटियर्स को घर घर जाकर मतदान के लिए निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी है और वागड़ क्षेत्र में शुभ कार्यों के लिए घर की दहलीज पर पीले चावल रखकर निमंत्रण देने की परंपरा रही है। डूंगरपुर में इसी परंपरा को अपनाते हुए स्काउट वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं और मतदाताओं के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, पीले चावल रख रहे हैं। साथ ही मकान मालिक को परिवार सहित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने का निमंत्रण दे रहे हैं। ये अभियान मतदाता जागरूकता को लेके आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके डूंगरपुर जिले में, पूरे जिले में जो 1026 बूथ है उस पर जिले के 2500 स्काउट गाइड मतदान दिवस दिव्यांगों की सहायता के लिए नियुक्त किए गए हैं। वो घर घर जाकर उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि जैसे अपन आगामी जो कोई शुभ कार्य होते तो पीले चावल